जोहार, अभी मैं उपस्थित हूँ लातेहार जिला के लोवाडी ग्राम में, जहाँ पर शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। यहाँ पर आज टूर्नामेंट फाइनल किया जा रहा है। मैं यहाँ की समिति से जानने का प्रयास करूँगा, आज जो आज यहाँ पर टूर्नामेंट फाइनल कर रहे हैं, कितने दिन से मैच चल रहा था और कितना दिन आप मैच को खिलाए और कौन कौन लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं, समिति में कितने लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी मैच चल रहा है, प्रतिनिधि है, ग्रामीण और समिति को क्या सहयोग मिल पाएगा सर? देखे यही चलिए, जिला परिषद उपस्थित है, इनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मैम, यहाँ पर आज फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पर आज फाइनल मैच चल रहा है, इस फाइनल मैच में इस क्षेत्र की जनता के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा बात है कि पूरा गांव में पंचायत मिलकर यहाँ खेल का समापन आज किया जा रहा है। इससे पंचायत के जितने भी युवा हैं जो खेल में रुचि ले रहे हैं, यहाँ सभी पंचायत का युवा लोग मिलकर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा बात है कि खेल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो विचार स्वस्थ रहेगा। ये बहुत अच्छा की बात है। और यहाँ पर आज फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में यहाँ पर आज जत्रा भी लगाया गया है, प्रत्येक शनिवार को यहाँ मार्केट भी लगाया जाएगा, जिससे गांव वालों को अगल बगल गांव पंचायत जो हैं वो सबको यहाँ हर प्रत्येक शनिवार को मार्केट के रूप में यहाँ पर उपलब्ध होगी, सभी जनताओं की सुविधा होगी। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चतरा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अभिजय कुमार सिंह मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर पिछले कई दिनों से मैच चल रहा है, आज फाइनल के मुकाम में लोग पहुंचे हैं, तो इस समिति को हमारे ये चतरा लोकसभा प्रत्याशी की ओर से कितना सहयोग और इस क्षेत्र की जनता को क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस खेल उत्सव में हम प्रतिस्पर्धा नहीं कहें, ये एक उत्सव है, क्योंकि हम इससे अपने मन में आनंद, दर्शक भी बहुत आनंदित हो रहे हैं, खेलने वाले तो अपने कौशल दिखाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लिए जो खेल है ना, वो इतना ज़्यादा जरूरी है कि केवल खेल के बहुत सारी समस्याओं का आप अंत कर सकते हैं। ये जो जगह है जो पूरा पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ है, यहाँ पे जो भी व्यक्ति है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा, और उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए खेल एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। आपके खेल के थ्रू ही शिक्षा में बेहतर कर सकते हैं, बिजनेस में बेहतर कर सकते हैं, अपना संबंध बेहतर कर सकते हैं, नशा की जरूरत आपको कम पड़ेगी, और साथ ही साथ आप थोड़े अपने जीवन दर्शन भी बेहतर कर सकते हैं। यानी खेल नहीं है ये, अगर कोई विजनरी लीडर हो जो समझ सके जगह क्या है, यहाँ के लोग कैसे, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, प्रकृति कैसी है। अगर देखिए आप खेल रहे हैं, और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ भीड़ दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे खिलाड़ी भी हैं और दर्शक भी हैं, तो ये अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन है, केवल 10 दिन के लिए क्यों ऐसा होगा? हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हर खेल का मैदान को ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि सालों भर खेल चले, वहाँ पे साथ में लाइब्रेरी भी होना चाहिए कि वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, बौद्धिक रूप से भी मजबूत हो। अभी हमारा 90% से ज़्यादा जो शारीरिक कार्य है वो मशीन करते हैं, तो बौद्धिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, लेकिन पहले शरीर को नियंत्रित करेंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल जो होता है माइंड आता है। तो खेल ये आपको ये नहीं देखना कि हम खेल के चले गए और भूल गए। अगर आप लीडर हैं तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए कि भविष्य में मुझे इसके लिए क्या करने की जरूरत है।
अगर आप यहाँ आएंगे नहीं, मान लीजिए आप एकाएक आए कि मैं आपका कैंडिडेट हूँ और मैं आपके लिए नेतृत्व करूँगा, भैया आपने संबंध बनाया नहीं, आप लोगों को समझे नहीं, यहाँ के जगह को नहीं समझा, कहाँ कहाँ पूरा लातेहार फैला हुआ है, चतरा कहाँ फैला हुआ है, लोगों की मानसिकता कैसे है, आप बड़ा